फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे पीसा के सीसीटी पोर्टल से स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। देखिए पीसा के दो पोर्टल्स हैं, एक पीसा दूसरा सीसीटी। पीसा पे जो पीसा एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनका डिटेल होता है, और जो सीसीटी पोर्टल है उसमें नन पीसा एलिजिबल, जो नन पीसा एलिजिबल स्टूडेंट है उनका डिटेल कहाँ मिलेगा? सीसीटी पोर्टल पे। ओके फ्रेंड्स, तो सीसीटी पोर्टल से जो नन पीसा एलिजिबल स्टूडेंट है उनको कैसे डिलीट करना है वो हम देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे pisa.seshagun.gov.in ऑब्लिक करके लिखेंगे CCT। ओके, इस पोर्टल पे लॉगिन कर लेने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होके आएगा उसमें लिखा रहेगा होम, उसके बाद होगा एंट्री, उसके बाद रिपोर्ट, ऐसे ही बहुत सारे डिटेल वहाँ से दिए रहेंगे। आगे देखते हैं, हम जाएंगे एंट्री में, एंट्री पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा, पहला स्टूडेंट एंट्री, दूसरा ऑप्शन होगा मेंटर एंट्री। मेंटर एंट्री, ओके, यहाँ पे जब हम स्टूडेंट एंट्री में जाएंगे, स्टूडेंट एंट्री में जाएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा स्टूडेंट एंट्री, दूसरा ऑप्शन आएगा अपडेट डिलीट स्टूडेंट, जो तीसरा ऑप्शन हमारे सामने आएगा वो रहेगा सीसीटी टेस्ट। अब हमको जाना है अपडेट डिलीट स्टूडेंट पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शंस मीन्स जो डिटेल्स ओपन होकर आएगा वो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, अफिलिएशन नंबर होगा, वहीं पे आपको STDID इसका मतलब स्टूडेंट आईडी का एक बॉक्स आपको दिखेगा, जहाँ पे सीसीटी पोर्टल पे जो स्टूडेंट की आईडी है उसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे। टाइप करके जब एंटर कर देंगे तो आपके सामने स्टूडेंट का डिटेल ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पे स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट का सारा डिटेल वहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। वहाँ लास्ट में आपको दो बॉक्स दिखेगा, ये पहला बॉक्स तो सेव करने के लिए होगा, दूसरा जो बॉक्स होगा उस पे ऐसे क्रॉस बना रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो जो ये स्टूडेंट है उसका सारा डिटेल सीसीटी पोर्टल से डिलीटेड हो जाएगा, वो स्टूडेंट पोर्टल से हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हर स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अध्ययन क्लासेस। बाय बाय।